जनपद शामली के कस्बा थाना भवन से है, जहां गांव से एक छात्रा कस्बे में कोचिंग में पढ़ने आई थी। इस दौरान छात्रा के साथ एक मनचले ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रा ने इसका विरोध किया तो मनचला फरार हो गया। इस पर छात्रों ने शोर मचाकर आरोपी मनचले को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। जो लड़का है जिसके 3 मिनट है उसने देख लेते जिसके साथ बात करते दुकाने बढ़ते हुए जी तीन पकड़ते हुए मांडे शुरू कर दे जी मेरे एकदम लड़की ने जी। तो लड़की का तो आरोप है कि मेरे घर पे फोन करता था। नहीं जी वो तो जब वो लगा दी जिनने अपना ज्यादा वो कर दीजिए वो तो सबूत दिखा रही मोबाइल में कि 40-40 मिस कॉल है। नहीं जी कुछ भी मिस कॉल तो नहीं जी मिस कॉल क्या क्या बात हुई जो आपको क्या आरोप लड़की का सही है क्या ये मुझे छेड़ा है मेरा मित्र से कहीं रास्ते में वो तो सबूत दिखा रही ना 40-40 मिस कॉल आपको मिस कॉल पे एक भी नहीं है कि जितने ले सकते हैं। ये एक मनचला था जो एक लड़की को छेड़ता था रोजाना, उसकी शिकायत भी आ रही थी। तो आज वो मौके पे ही रेती मोहल्ले में उस लड़की को छेड़ रहा था, उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था। तो उसकी सूचना मिली तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाने में ले जाकर के बंद कर दिया है और उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है और कार्रवाई की जा रही है।